कविता लिख रहा हूँ गुरु वल्लभ नाम की। है पीली चदरिया ओढ़ी गुरु आत्म नाम की। कविता लिख रहा हूँ कविता लिख रहा हूँ गुरु वल्लभ नाम की। है पीली चदरिया ओढ़ी गुरु आत्म नाम की। कविता लिख रहा हूँ मन में उमंगे हैं और दिल में जोश है और दिल में जोश है। महफिल सजी है देखो सब मदहोश है सब मदहोश है। मैं माला जप रहा हूँ मैं माला जप रहा हूँ गुरु वल्लभ नाम की। अनुराग जी, पूज्य गुरुदेव का आज हम 50वां दीक्षा दिवस मना रहे हैं। पूज्य गुरुदेव के 50 वर्ष के अंदर में कहां कहां पर चातुर्मास हुए, 50 चातुर्मास तो मैं नहीं बोल सकता हूं, लेकिन 5 की संख्या से बोल रहा हूं, कृपया ध्यान से सुनिएगा। गुरुदेव की संयम यात्रा कैसे कैसे कहां कहां पर भ्रमण हुआ गुरुदेव का। पूज्यपाद गुरुदेव का पहला चौमासा हुआ मासर रोड के अंदर में, 5वां चौमासा वालकेश्वर मुंबई में, 10वां खंबात गुजरात में, 15वां वडोदरा में, 20वां मरीन ड्राइव महाराष्ट्र में, 25वां पूना में, 30वां दादर कबूतरखाना में, 35वां मद्रास में, 40वां अम्बाला में, 45वां मुंबई में और 50वां भी मुंबई में, 41वां लुधियाना, 42वां कलकत्ता, 43वां पूना, 44वां भिवंडी, 45वां मुंबई, 46वां लुधियाना, 47वां अम्बाला, 48वां बड़ौदा, 49वां मुंबई और 50वां फोर्ट संग मुंबई में हुआ। पूज्य गुरुदेव ने 18 चातुर्मास गुजरात में किए, 19 चातुर्मास महाराष्ट्र में किए, 4 चातुर्मास पंजाब में किए, 3 चातुर्मास हरियाणा में किए, 1 चौमासा एमपी में किया, 1 चौमासा यूपी में किया, 1 तमिलनाडु में किया, 1 कर्नाटक में किया, 1 आंध्र प्रदेश में किया और 1 पश्चिम बंगाल में किया। गुरुदेव का जो पश्चिम बंगाल में चौमासा हुआ उसके बारे में एक बात मैं कहूँगा, गुरुदेव के प्रवेश का मुहूर्त था सुबह 6 बजे का। अब हमें यूँ लगता है 6 बजे तो लोग नींद से नहीं उठते, कौन आएंगे, लेकिन गुरुदेव कलकत्ता प्रवेश से पहले हावड़ा में 10 दिन रहे। वहाँ पर श्री कुशल जी भाटिया ने 10 दिन का महोत्सव रखा था और तीनों टाइम स्वामी वत्सल खट्टर गज के मानती हैं तब वाले थे, लेकिन पूज्य गुरुदेव को समर्पित थे। प्रवेश से पहले ही श्री भाटिया जी ने ऐसा माहौल बनाया, दशानी का महोत्सव, तीनों टाइम भोजन, 1000 और श्री संघ की ओर से सभी पश्चिम बंगाल से आने वाले भाविकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं निवेदन करूँगा, कलकत्ता वाले तो बजाओ तालियां पारक जी, मैं निवेदन करता हूँ श्रीमान चांदमती साहब कोठारी से कि आइए और आप अपनी रचना को प्रस्तुत कीजिए। श्रीमान चांदमती साहब कोठारी संक्रांति में आते हैं, श्रीमान चांदमती कोठारी। आचार्य श्री रत्नाकर सरस्वती महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन, सभी गुरु भगवान को वंदन, शास्त्री जी महाराज को वंदन और इस अवसर पर आए हुए सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन। आज मैं एक रचना लेकर आया हूँ गुरुदेव के 50वें स्वर्गारोहण 50वें स्वर्ण महोत्सव अवसर पर। कविता है आज कविता बनाई है, कविता सुने आप। कोटि कोटि अभिनंदन गुरुवर संयम की सीढ़ी पर चढ़ते, कोटि कोटि अभिनंदन गुरुवर संयम की सीढ़ी पर चढ़ते, अर्धशती को पार कर गए विद्राही राहों पर चलते। गुरु
गुरुजारा देश के पंच महल में गुरुजारा देश के पंच महल में झगड़े और तलवारें चलती, दारू भांग अस्पीम नशों में रजपूती महफिलें जलती, दारू भोग अफीम नशों में रजपूती तलवारें चलती, इंद्र गुरु के उपदेशों से जनजीवन ने पलटा खाया, हिंसा नशा छोड़ लाखों ने सत्य अहिंसा व्रत अपनाया, परमार क्षत्रिय पूनम सिंह के घर माँ चंचल का लाल दुलारा राम सिंह नन्हे बालक ने खेती करते वक्त गुजारा। वो टाइम में खेती कर रहे थे हमारे आचार्य हनुमान। क्या परमार क्षत्रिय पूनम सिंह के घर माँ चंचल का लाल दुलारा राम सिंह नन्हे बालक ने खेती करते वक्त गुजारा। इसे खबर थी ऐसा भाग्य कभी भी ऐसा पलटा खा जाएगा, हल बैल चलाने वाला बालक सरदार हमारा बन जाएगा। इसे खबर थी भाग्य कभी भी ऐसा पलटा खा जाएगा, हल बैल चलाने वाला बालक सरदार हमारा बन जाएगा। गुरु इंद्र संतों की संगत जीवन में परिवर्तन आया, यौवन में के आते आते संयम धन को गले लगाया। राम सिंह से रत्ना करमुनि बने इंद्र के शिष्य निराले, ज्ञान साधना करते करते तत्व सभी ग्रंथों के मत डाले, सुस्त संयमी जीवन पथ को दिव्य साधना से चमकाया, शत्रुंजय की पुण्य धरा पर आचार्य पदवी को पाया, चारों दिशा चौमासे गुरु के धर्म ध्वजा ऐसी लहराई, प्रभु प्रतिष्ठा यात्रा संवर जब तक उत्सव से महकाई। स्वास्थ्य देख इंद्र गुरुवर का तरह तरह की चली हवाएं, कहीं की बात है कि किसे बना है संघ का गठन आए। स्वास्थ्य देख इंद्र गुरुवर का किसे तरह तरह की चली हवाएं, आतुरता से रहा देखते किसका नायक किसे बनाए, सुनते रहे सभी बातों को भवितव्य का भास निखारा, भलवृत्ति पारस मेड़ता नाथ में रत्नाकर का घोष उचारा। बंसल ताज हमारे गुरु ने फिर ऐसा इतिहास बनाया, आत्मवल्लभ के सपनों का युग जब ऐसा लौट के आया, स्कूल कॉलेज गुरुकुल देवालय धर्म साधना केंद्र बनाए, सत्वशील हो हर जैनी जन धर्म तत्व की खुशबू आए, हमारे यहाँ धर्म फैले, जगह जगह वल्लभ से नाने शासन सेवा काम निखारे, काया पलट करी संगों में बोल रहे हैं काम तुम्हारे, साहित्य गीत पूजा कविता पर सदा निरंतर कर्म च कलम चलाई, चरण आपके पड़े जहाँ पर नई चेतना फिर से आई, वचन सिद्ध है बोल तुम्हारे, आशीष बिगड़े काम सवारे, आत्मवल्लभ की बगिया में रत्नाकर है रतन हमारे, युग युग जिए आप गुरुवर, जिन शासन सेवा व्रतधारी, चरणों में सत सत वंदन है, करे आरती चांद तुम्हारी। आरुक
आरोग्य बोही लाभम की कामना करते हैं, आरोग्य बोही लाभम की कामना करते हैं, सतायु हो दीर्घायु हो ये भाते भावना है। आरोग्य बोही लाभम की करते कामना है, सतायु हो दीर्घायु हो ये भाते भावना है। मृगसर के मंगल माह में जुड़ा संयम से नाता, षष्ठी के शुभ दिवस दे आपको प्रभु सुख साता, इंद्र दिन चरण सरोजों में भरा ज्ञान खजाना है। आरोग्य बोही लाभम की करते कामना है, सतायु हो दीर्घायु हो ये भाते भावना है। मैं निवेदन करता हूँ मुनि वर्यस की केवल कुंभ विजय जी महाराज साहब से कि कृपया आप गुरुदेव के गुणों से हमें लाभान्वित करें। मुनि श्री केवल कुंभ विजय जी बोलो। वर्तमान शासनपति भगवान महावीर स्वामी भगवान की बोलो। वर्तमान गच्चाधिपति रत्नाकर सुरेश्वर जी महाराज साहेब की जी बोले। इतनी कंजूसाई क्यों कर रहे हो आप बोले। जी ने शासन जाति पाया है, उसमें से 60 से 70 लाख लोग जैन धर्म की प्राप्ति किया है। बहुत बड़ा विश्व में एक जैन कुल प्राप्त करना बहुत भाग्य की बात है। अहिंसा संयम और तप वो तीन चीज है कि आत्मा को महात्मा बना देता है और महात्मा वो परमात्मा बन जाता है। सब लोग में आत्मा तो है लेकिन महात्मा बनना है और परमात्मा के पैर पे और कदम पे चलना है। मुझे आज बात करना है संयम जीवन में। संयम जीवन में गुरुदेव ने आज 50-50 साल व्यतीत किया। अभी तो छोटी उम्र में दीक्षा लेती तो सब लोग बोलते कि छोटी उम्र में तो खेलना कूदना सब बाकी है, तो सब लोग क्या करते कि छोटी उम्र में थोड़ी दीक्षा लेनी है, अभी खेलना भी है कूदना है, बाद में युवानी हो जाती है। युवान अवस्था में सब बोलते हैं कि अभी क्या गाय है, अभी क्या गाय है। यौवन अवस्था में दीक्षा लेने के बाद आती है तो मौज मस्ती है, पैसा कमाना है, पैसा परिवार प्रॉपर्टी सब इकट्ठा करता हूँ, बाद में लेऊंगा, क्या गाय है दीक्षा लेने के लिए। बाद में गड़पन आ जाएगा, बुढ़ा पे आ जाएगा, तब क्या बोलेंगे आप। बुढ़ा अवस्था में सब बोलेगा तो बोलेगा डोकरो भैया आप क्या करोगे, अभी माथे पड़वा थोड़ी हवा वाला चाहिए। तो कैसे क्योंकि आज गुरुदेव की संयम शताब्दी अर्ध शताब्दी है, उसमें तीन चीज ध्यान रखना कि बालक जीवन में अभी व्यतीत हो रहा है तुम्हारी लाइफ, तो समझ जाओ कि तुम्हारा सेकंड कांटा पे चल रहा है लाइफ। यौवन अवस्था आ गई तो समझ जाओ कि तुम्हारा मिनी कांटा चालू हो गया, और बुढ़ापा आ गया तो समझ लो कि अपना कौन सा काटा कलाक काटा, यानी कि कितना कलाक जिएगा कोई गारंटी नहीं, पल का पता है, कल की तो बात कहाँ से है। तो फिर संयम जीवन में अंदर इतना तो ध्यान रखना कि गुरुवर जो काल में गोड़ेली जी साल पूरा इंद्रदन सुरेश्वर जी महाराज आए आज से 80 से 90 के पहले वो परमान क्षत्रियों को उद्धार किया, हम भी एक ही समाज के हैं। आज 200 से 250 साधु भगवंत विचरण कर रहे हैं, वो विजय इंद्रदन सुरेश्वर जी महाराजा और विजय रत्नाकर सुरेश्वर जी महाराजा में बदलती
आज रखना कर। अब शब एक 14 साधु भगवान तो यहाँ पे विराजमान है, उसमें से 11 तो घोड़े लेकर कितने इसमें साधु जी भगवान बैठे हैं, उसमें 20-25 साधु जी भगवान घोड़े लेके हैं, वो किसका उपकार है? तो क्या गुरुदेव का उपकार है? मेरे तो केवल देवाना ने बोले कि आपको बोलना है, छोटे मुंह से बड़ी बात, हाइट में भी छोटा, दीक्षा में भी छोटा, इतना गुरुदेव का गुण गाने का मुझे जो शायद भाग्य मिला आज मिल जाओ तो भाग्यशाली मानता। गुरुदेव